आज मैं यहाँ पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ में एल्गिन चरचरी तटबंध समेत अन्य जो प्रमुख तटबंध घाघरा और सरयू नदी में पड़ते हैं, जिनके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की आपदा से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता था, उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण के उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ हम लोगों ने बैठक की है। यद्यपि जनपद में बरसात एवरेज से कम है, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल के अंदर कुछ स्थानों पर भारी बरसात के बाद सरयू जी का भी और राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। सामान्यतः घाघरा और सरयू नदी में जो कुल जलस्तर होता है लगभग 40,000 क्यूसिक होता है और वर्तमान में 2.5 लाख क्यूसिक वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि अभी इसमें लगातार बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और सबको देखते हुए समय से किए गए बचाव के उपायों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बाढ़ निरोधक जो उपाय किए गए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं और प्रभावी ढंग से तटबंध को बचाने, जन और धन की हानि को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। चाहे वह एल्गिन चरचरी तटबंध हो या सकरौर भिकारीपुर रिंग तटबंध हो या फिर परसपुर धरोरा पीटी तटबंध और भौरीगंज रिंग जो तटबंध है, इन सभी की मरम्मत के साथ साथ बचाव के लिए जो आवश्यक उपाय होने हैं वह इरिगेशन विभाग के द्वारा समय से पूर्व संपन्न किए जा चुके हैं और निगरानी की व्यवस्था के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि अतिवृष्टि और कभी कभी ऐसे समय में आपदा आती है जब लोगों को उसकी संभावना नहीं रहती है। खासतौर पर विगत वर्ष आपने देखा होगा कि अक्टूबर माह में आपदा का सामना हम सबको करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन सब परिस्थितियों से हम तैयार हैं। बाढ़ चौकी की दिशा से भी लगभग 28 बाढ़ चौकी अभी से प्रस्तावित करके उनको तैयार करने का कार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, राहत आयुक्त विभाग के साथ साथ यहाँ पे प्रभावित क्षेत्रों में जो संभावित क्षेत्र प्रभावित हो सकता है वहाँ पे नौकाओं की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी प्रकार की जरूरी सामग्री के बारे में भी अभी यहाँ पर प्रशासन के साथ बातचीत हुई है। प्रशासन ने पहले से ही इसके बारे में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर इस तटबंध को जब 7.5 लाख क्यूसिक वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था तब भी तटबंध को बचाए रखने में काफ़ी बड़ी उस समय सफलता प्राप्त हुई थी और अभी से उसको और सुदृढ़ करने का कार्य इस बार किया गया है, समय से किया गया है। हमें विश्वास है कि यहाँ पर जनधन की हानि को हम लोग किसी भी आपदा से बचाव करने के लिए आज यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी रहेगी और आने वाले समय में किसी भी संभावित खतरे से बचाव के बारे में हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क होकर के कार्य कर रहा है। सभी जनप्रतिनिधि निरंतर प्रशासन के साथ में एक संवाद बना करके
बाढ़ या किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से बचाव के लिए भरपूर सहयोग और अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम लोग इन्हीं सब कार्यों का यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण करने के उपरांत जो चीज़ें सामने आई थी वो मैंने आपके सम्मुख रखा है। धन्यवाद।